गैंगस्टर है और पुलिस के ऊपर और अपना क्रिमिनल और पुलिस के ऊपर बनी फिल्म है। अब छोड़ने तो छोड़ रही थी लेकिन मज़ा आया, मतलब सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन फिल्म बहुत शानदार थी। वो मूवी तो इसके आगे कुछ भी नहीं। आउट ऑफ 5 कितना रेट करेंगे? 5। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जिस मूवी का हम सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था, विक्रम वेदा, वो फाइनली थिएटर्स पर आ चुकी है और आज प्रेस शो भी हुआ है। अभी अभी हमने प्रेस शो अटेंड किया है, रिव्यू अभी हम करने वाले हैं लोगों का और आपको भी बताने वाले हैं कि मूवी कैसी है। इस मूवी में दो जो लीड एक्टर हैं वो हैं सैफ अली खान और ऋतिक रोशन। जहाँ सैफ अली खान एक पुलिस के किरदार में नज़र आने वाले हैं, वहीं ऋतिक रोशन वेदा यानी एक जो गैंगस्टर है, एक डॉन है, उसके रोल में नज़र आने वाले हैं। तो अभी रिव्यू लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि उनको फिल्म कैसी लग रही है, कितना वो रेट कर रहे हैं और स्टोरी लाइन जो है इस मूवी का या जो डायरेक्शन इस मूवी का या जो कैमरा वर्क है वो सब कैसा लग रहा है उन्हें। तो चलिए चलते हैं सीधे रिव्यू की तरफ। सर, मूवी कैसी लगी? बहुत 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 ही शानदार, मज़ा आ गया। मूवी बहुत जानदार लगी, देख के मज़ा आ गया। मूवी गैंगस्टर है और पुलिस के ऊपर और अपना क्रिमिनल और पुलिस के ऊपर बनी फिल्म है, बाकी कुछ नहीं है, गोली चलेगी। मूवी बहुत अच्छी थी, हंसू मूवी है और बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी फिर से आई है। सर, विक्रम वेदा है तो ये साउथ की रीमेक है तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी और उस पर बखूबी उतरे हैं, जैसे कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा है और विक्रम और वेदा की जो कॉम्बिनेशन एंड जोड़ी बनाई है पुलिस और क्रिमिनल की वो भी काफ़ी शानदार लगी देखने। पिक्चर बहुत बढ़िया लगी, दोनों कैरेक्टर बहुत अच्छा है, दोनों का बढ़िया काम है अपनी जगह। अच्छा, एक सीन ऐसा है जहाँ पर जो हमें याद दिलाता है गुंडे की, जहाँ पर अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह जो है वो एक ही साथ दौड़ते हुए रेल यार्ड के किनारे नजर आ रहे हैं, वैसा ही कुछ सीन हमें यहाँ पर भी देखने को मिला, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो मूवी तो इसके आगे कुछ भी नहीं। हीरो अच्छा, हीरो अच्छा था या विलन अच्छा था? दोनों ही सुपर हिट हैं। हाँ, मारधर थी बट कहीं ना कहीं दोनों अपनी साइड से सही थे, वो अच्छे के लिए सही था, वो गलत के लिए सही था, मतलब कंफ्यूजन दोनों का सेम ही था। एक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, इतना ज़्यादा एक्शन पसंद नहीं है पर वही सेम बात कि अगर आप AK-47 चला रहे हो उससे सामने वाले दो लीड एक्टर्स नहीं मर रहे हैं और वो सिंपल पिस्टल चला रहे हैं उससे पिस्टल में 25-27 बुलेट्स चल रही है। हाँ, तो ये थोड़ा फेक लगा कि भाई AK-47 से जब वेदा ने चलाई थी तब तो सारे मर गए थे। मेकर्स मैम ने बोल दिया है अगर आप हमारा ये रिव्यू देख रहे हो तो प्लीज़ अगली बार पिस्टल से 9 ही गोलियां चलाना, प्लीज 25-27 बुलेट्स ना चलाएं। और मैम पता चल जाता है ऑडियंस बेवकूफ नहीं है भाई, देख लो ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, सुधर जाओ। और कुछ स्पेशल नोट मेकर्स के लिए? स्पेशल नोट मैं ये देना चाहूंगी, ऐसी मूवीज बनाते रहें पर ऑडियंस का भी ध्यान रखें कि ऑडियंस ना आजकल बहुत इंटेलिजेंट है अगर आप खुद भी ऐसा फेक करेंगे, बट हाँ लोकेशंस काफी अच्छी थी, एकदम टिपिकल वाइब दे रहा था तो वो काफी अच्छा है। अब छोड़ने तो छोड़ रही थी लेकिन मज़ा आया, मतलब सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन फिल्म बहुत शानदार थी, बहुत मज़ा आया। साउथ की रीमेक थी नो डाउट लेकिन इंडियन वर्जन उससे ज़्यादा अच्छा था, मैंने दोनों देखी हैं, पहले वो देखी थी तो इसलिए बता रहा हूँ, बहुत शानदार। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन इन पर ही ओवर एंड ऑल घूम जाती है मूवी और दोनों ही लीड एक्टर हैं, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप क्या कहोगे इसमें? मुझे लगता है हर फिल्म में लव स्टोरी होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि ये एक्शन मतलब कुछ रियलिस्टिक क्रिमिनल और पुलिस को लेकर बनाई गई है तो इसमें लव स्टोरी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ एक इमोशन जुड़ा हुआ है फिल्म में, कहीं ना कहीं इमोशनल सीन्स हैं, कुछ इमोशनल बातें हैं और कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में 3-4 स्टोरी अलग अलग चल रही है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में। विक्रम जो कहानियाँ सुलझा रहा था और वेदा जो कहानियाँ सुना रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में और देखने में कि अब क्या होने वाला है, उसकी हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ होता है, पर एंडिंग में देखना था कि कौन मरने वाला है या कौन जिंदा रहने वाला है, पर मुझे ये देखने को नहीं। वेदा की लव स्टोरी विक्रम ने नहीं सुनी दैट्स वेरी सैड बट कोई बात नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था जी, ये लास्ट में ना वेदा लव स्टोरी सुना रहा था, विक्रम ने सुनी नहीं। ये बहुत गलत हुआ, वो सुनते तो हमें भी और मजा आता, थोड़ा सा लव एंड रोमांस देखने को मजा रह गया, वो ऋतिक की हीरोइन बच गई। हाँ, वो दिखती तो और ज्यादा अच्छा। चलो, वेदा अपनी कहानियाँ सुनाता जा रहा था, विक्रम उन्हें सॉल्व करता जा रहा था, तो ये सारा क्रिएशन कैसा लगा? ये सारा क्रिएशन देखो बहुत पुराना है, ऐसे पहले भी था,
विक्रम वेदा का जो कॉन्सेप्ट वही है ना हमारा वही है। हाँ लेकिन वो इस टाइम के हिसाब से बहुत मेरे को यूनिक कह सकते हैं, पर यूनिक भी क्या ही कहेंगे जब ये साउथ की क्रिएशन है, उसी को दोबारा डेब्यू करके बनाया गया, तो मतलब कॉपी अच्छा, है। अच्छा ओवरऑल मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, स्क्रीन में जो प्रेजेंटेशन था चीज़ों को लेकर, हाँ, वो कैसा था? वो मेरे को सिर्फ ऋतिक की एक्टिंग की वजह से मेरे को अच्छा लगा। वो जो उन्होंने बिल्कुल काम रह के वो सिचुएशन में जो एक्टिंग करी है, जैसे कि एक वो सीन था जब वो टेरिस से निकल रहे थे जब पुलिस पूरा एरिया कवर कर चुकी, वो सीन बहुत प्यारा था, बहुत मतलब स्लोली प्यार से वो निकल गए। मूवी को कितना रेट करेंगे? 4 out of 5 complete 5। अच्छा साउथ की ये रीमेक है तो क्या लगता है जो मेकर्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर पाए? मैंने देखा नहीं, मैंने साउथ की मूवी नहीं देखी जो जैसे विक्रम वेदा तो देखी नहीं है मैंने, पर अगर है तो अच्छी है। लेकिन आउट ऑफ फाइव कितना रेट करेंगे? 5 out of 5 बस कुछ खास नहीं है। चलो आउट ऑफ फाइव मैम कितना रेट करोगे आप? 3.5 आउट ऑफ फाइव कितना रेट करेंगे? आउट ऑफ फाइव में से मैं 5 ही दूंगा। आउट ऑफ फाइव 5 रेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा बहुत से लोगों के हमने रिव्यू लिए, बहुत से लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, तो सभी का जो ओवरऑल कहना है कि जो स्क्रीन प्रेजेंटेशन है इस मूवी का वो काफ़ी अच्छा है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान दोनों ही काफ़ी अच्छे से अपनी भूमिकाओं को निभाते नज़र आए हैं। वेदा अपनी कहानियाँ सुनाता जाता है और विक्रम उन्हें सुलझाता जाता है, और अंत में वही चोर पुलिस का खेम एक बार फिर वहीं ख़त्म होता है। जो पुलिस है वो चोर को धर दबोचती है और कहानी समाप्त होती है। जो अगर हम एक रेटिंग की बात करें तो आउट ऑफ फाइव ज़्यादातर लोग इसे 4.5 या 5 रेट कर रहे हैं, तो जो एवरेज रेटिंग जाती है वो 4.5 चली जाती है। बट जो ओवरऑल मूवी है वो बहुत अच्छी है, आप जाके देख सकते हैं। 1 time नहीं मैं तो कहता हूँ 2 time वॉच है, तो जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।